सीखो ऐसा जो काम आए, बिल्कुल फ्री। बिट्टू सर से। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, सैमसंग M31 के अंदर चार्जिंग प्रॉब्लम को ठीक कैसे किया जाता है। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, ये आ रही है कि कस्टमर ने मुझे बताई कि इसमें चार्जिंग बढ़ नहीं रही है। चार्जिंग शो कर रहा है मगर चार्जिंग बढ़ नहीं रही है। इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करेंगे, देखो लाइव प्रूफ आज मैं दिखा देता हूँ। कस्टमर का कहना है कि 3-4 दिन पहले ये सर्विस सेंटर होके आया था, वहाँ पे 3,000 रुपये से मांगे थे कि इसका बोर्ड चेंज करना है, इसका बोर्ड ख़राब है और या चार्जिंग बोर्ड चेंज ख़राब करना है, मतलब कुछ ना कुछ उन्होंने कहानी बता के इसको 3,000 रुपये टोटल खर्चा बता दिया। कस्टमर के इतना खर्चा करने की बस की नहीं थी, मतलब खर्चा करना नहीं चाह रहा था। फिर वो लेके आ गया किसी दुकान पर। अब उसने एक नई चीज़ मुझे बताई कि भाई 2-3 दुकानों से ये घूम के आ चुका है, किसी ने 200 रुपये ले लिए, किसी ने 300 रुपये ले लिए, मगर प्रॉब्लम वहीं की वहीं। अब इसकी प्रॉब्लम देखो कैसे सोल्व करते हैं हम। देखो दोस्तों, ये है ना 13 पे अटका हुआ है, ये 13 पे ही रहेगा, इससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं है, ये 13% पे अटका रहेगा, है ना। तो अब मैं इसको बताऊँगा आपको लाइव प्रूफ ये कैसे ठीक होगा इसकी प्रॉब्लम, और इसे कन्फर्म ठीक करेंगे दोस्तों। चिंता मत करना, टेंशन बिल्कुल मत लिया करो कि ये चीज़ ठीक नहीं होने वाली, सब ठीक होने वाली है। मगर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा दोस्तों, ऐसे मोबाइल रिपेयरिंग शॉप वालों से सावधान रहिए जिन्हें काम नहीं आता और वो बेकार में बेकार के पैसे ले लेते हैं कस्टमर से। एक कंफर्म करा देता हूँ एक चीज़, कभी भी आपके सामने प्रॉब्लम आए घबराना मत, सीधा जो मैं मेथड बता रहा हूँ दोस्तों इसी मेथड के तरीके से रिपेयर कर देना, 100% ओके हो जाएगा। दोस्तों सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप इसकी वोल्टेज चेक कर लीजिए। यहाँ पे ना किसी ने जंपर भी मारे होंगे, पहले जंपर मार के चेक किया होगा यहाँ पे, मगर उसने वोल्टेज चेक नहीं करी होगी, डायरेक्ट जंपर मार दिया होगा, चलो उनकी अकल है। इसमें 5 वोल्ट पूरी आ रही है, ठीक है दोस्तों, ये उसके बाद भी, उसके बावजूद भी ये आगे भी कुछ जंपर वंपर कर रखा है, शायद आगे भी वोल्टेज पहुँच रही है। अब इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है इसे हम ठीक करेंगे कन्फर्म। कैसे करूँगा, इसका चार्जिंग जैक ठीक करना है, बस चार्जिंग जैक चेंज करना है। दोस्तों जो मेरे इंजीनियर भाई हैं ना, उनको मैं बताना चाहूँगा जो मोबाइल रिपेयरिंग करना चाहते भी हैं और जानते भी हैं अच्छे तरीके से, उनके लिए मैं कुछ खास ये टिप्स देना चाहूँगा दोस्तों। ये ना हीट रेजिस्टेंस टेप होती है, इसको याद करके ले लिया करो, और माइक के ऊपर आप इसको पूरी लपेट दीजिएगी, पूरी लपेट दो ताकि इसका माइक ख़राब ना हो, हमें इसका माइक बचाना है दोस्तों, है ना। कस्टमर का काम ऐसा करके देंगे एकदम ओरिजिनल, हर किसी के पास है ना दोस्तों, हर वक्त पैसे नहीं होते। कस्टमर के पास 3,000 होते तो वहाँ सर्विस सेंटर में ना करा लेता, अब ये बाहर इसको कितना परेशान कर रहे हैं लोग, वाकई मैं ठीक कर दूँगा अभी, आधा घंटा दे दो, एक घंटा दे दो, ऐसे बोल बोल के किसी ने 300 रुपये ये बता रहा है कस्टमर के, किसी ने 200 रुपये, गरीब सब वैसे बंदा है, सेकेंड हैंड कहीं से फ़ोन ख़रीदा है इसने, कह रहा भैया मैं तो नया भी ले लिया है, अब उसके साथ ऐसी अनहोनी हो रही है। तो दोस्तों हमें ऐसे नहीं करना भाई, मोबाइल रिपेयर जो करने वाले भाई हैं ना, ईमानदारी से जो करते हैं उन, अब इसको आप ऐसे रख लीजिए, ठीक है, इसकी एक जाली ऊपर रख दीजिए, एक नीचे, ये कटी फटी आपके पास रखी होंगी कहीं ना कहीं, मैं सर्विस सेंटर से इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ अपनी, आपके लिए बना रहा हूँ दोस्तों। अब इसमें जल्दी से हीट मार के इसके चार्जिंग जैक को मैं निकाल देता हूँ, देखो कन्फर्म इसको ठीक करके दिखाऊंगा। एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, गाड़ी का टायर नहीं होता, स्कूटी का या बाइक का, जब वो गंजा हो जाता है ना तो फिर पंचर वाला भी बार बार बोलता भैया टायर चेंज करवा लो, ख़त्म हो चुका है, उसी तरीके से ये ख़त्म हो चुका है जैक, ये काम नहीं करेगा। इसी को साफ़ कर करके दो तीन बार दे चुके हैं उसको, कस्टमर परेशान, दो तीन दिन हो गए, कह रहे भैया घूमते घूमते फ़ोन दे देते हैं, घर जाता हूँ उसके बाद लगाता हूँ होता ही नहीं चार्ज, और ये ऐसा कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब दोबारा गया तो कह रहे हैं कि गारंटी नहीं है। तो ये क्या, ये बेवकूफ़ बनाने के लिए थोड़ी, कस्टमर को किसी को बेवकूफ़ बनाना चाहिए भैया, ऐसे नहीं, काम करके दो तब पैसे लो। कस्टमर अगर सेटिस्फाई नहीं होगा ना तो फिर काम नहीं देगा अगली बार से,
आएगा ही नहीं दुकान की तरफ, और 10 बंदों को और बोलेगा कि भाई वहाँ मत जाइए, वहाँ तो सबसे बेकार काम होता है। अभी दोस्तों इसका माइक जो है पूरा सेफ है, ठीक है दोस्तों, देख लिया आपने इस तरीके से ही इसको बचा के रखना है हमें माइक को, ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए, कस्टमर को शिकायत ना करे कि भाई आवाज़ नहीं जा रही हमारी। तो हीट रेजिस्टेंट टेप इसको माइक को प्रोटेक्ट कर लेती है, बचा लेती है। अब चार्जिंग जैक लगाने का तरीका जल्दी से बता देता हूँ आपको। देखिए चार्जिंग जैक लगाने का, अगर वीडियो को स्किप नहीं करोगे तो दोस्तों बहुत अच्छे अच्छी अच्छी बातें बताऊँगा, और दोस्तों वो भी 18 साल का एक्सपीरियंस बताऊँगा दोस्तों आपको। दोस्तों मैंने पिनों को रिसोल्व करने के लिए ये वाला पेस्ट यूज़ किया है, ठीक है। मैं आपको कोई भी चीज़ गलत नहीं बताऊंगा, और ना कोई आपसे चीज़ छुपाने वाली है। आप मेरे हिस्से का नहीं खाओगे दोस्तों, अगर सीख जाओगे तो आप अपने हिस्से का खाओगे। बिना इस पर आयरन मारे अगर आप ये लगाओगे जैक इस पर, तो फिर जैक की पिनें सोल्ड नहीं होंगी, ध्यान रखना दोस्तों, छूट जाएगी। एक दो दिन में कस्टमर वापस आ जाएगा दुकान पर, फिर आप सोचोगे कि बताने का तरीका गलत बताया था। तो मेरे भाई मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो कोई भी, या कोई कस्टमर आपसे आके कोई गलत बोले, जैसा तरीका बता दूँगा दोस्तों। सारे जैक के लिए यही अप्लाई करना है आपको, कोई से भी जैक V8 का हो, चाहे टाइप सी हो, किसी भी तरीके का हो। ऊपर शोल्डर चढ़ गया बिंदास तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब इसमें ये जैक पकड़ के ऐसे रख दीजिए, और उसके बाद इसको यहाँ साइड साइड से सोल्ड कर दीजिए। ये तो आराम से हो जाता है। अपने आप सेट बैठ जाएंगी, वो इधर उधर कहीं जाएंगी ही नहीं। अभी कितने पे है दोस्तों? 12 पे है ना। अभी देखना, ये आपके सामने ही बढ़ा के दिखाऊंगा इसको मैं। अभी देखो इसकी, देखो 13 हो गया दोस्तों, लगाते ही हो गया। मैंने फास्ट चार्जर नहीं लगा रखा है इसमें, वैसा वाला लगा रखा है, नॉर्मल वाला है, 2.0 जो होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।